वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 25 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 23 से 25 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए ये सारे के सारे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं और ये आपके आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों एग्जाम या फिर कह सकते हैं बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली हाट एवं INA में कितना दिवसीय बिहार उत्सव शुरू हुआ है, इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको प्रोवाइड किया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा 15 दिवसीय बिहार उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो राइट आंसर था यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खास करके 2022 में परीक्षाएं आयोजित होने वाली है बिहार में खासकर, तो इसके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक PDF लॉन्च हुआ है। हालांकि इसका बुक भी मार्केट में लॉन्च है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इस PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पिछला वीडियो जो चैनल पर अपलोड हुआ था वहां पर 10वें नंबर प्रश्न पे थोड़ी सी गलती हुई थी। आपको बता दूं 10वां नंबर जो प्रश्न था ये प्रश्न था कि रूस ने इंस्टाग्राम की जगह पर किस सोशल नेटवर्किंग साइट को लॉन्च किया है। यहां पर गलती से हमने आपको बताया था विनोग्राम, जबकि एक्चुअल में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रॉसग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होना था। सभी लोग यहां पर इस प्रश्न को सुधार लेंगे। अब चलेंगे आज के इस वीडियो को हम यहां पर पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन विस्तारित क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। बिहार के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा जो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई 2021 का। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांका जिला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में जो खास करके बिहार में आयोजित होंगे तो ऐसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का 17वां प्रकाशन प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार बिहार में एक विस्तारित क्षेत्र में बांका जिला सबसे शीर्ष स्थान पर रहा, यानी कि इस मामले में बांका जिला जो ये कह सकते हैं प्रथम स्थान पर रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले एक साल में बांका में लगभग 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का विस्तार हुआ है। इस मामले में अगर बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की, तो इस मामले में यानी कि बिहार में वन क्षेत्र के मामले में दूसरे स्थान पर जमुई और तीसरे स्थान पर गया है। ये तमाम चीजें, ये जो आंकड़े वाले प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान रखिए बात यह बांका की, तो बांका के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि बिहार का जो कह सकते हैं प्रमंडलों में जो बिहार को बांटा गया है, कुल मिलाकर 9 प्रमंडल में बिहार को कह सकते हैं विभाजित किया गया है, और इनमें से जो सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर, इसके अंतर्गत 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर दूसरा है बांका। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने चर्चा किया दूसरे स्थान पर है जमुई। जमुई के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जमुई में ही कह सकते हैं बिहार का पहला पक्षी महोत्सव करलाव का आयोजन किया गया था जमुई के नागी नकटी में, जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं बिहार के भागलपुर जिले के कतवा में प्रस्तावित है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पर अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मनोहर कुमार को बिहार चेंजमेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। आपको विस्तार से बता दूं कि बिहार के भोजपुर जिले के निवासी मनोहर कुमार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन में बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, और ये बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यह पुरस्कार बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन व भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार ने प्रदान किया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ है, इसके लेखक कौन है। ये काफी ज्यादा खबरों में है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफराज असर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि बिहार के आरा में, यहाँ पे देखिए आरा कोई जिला नहीं है, आरा जो है कह सकते हैं बिहार में एक शहर है, आरा जिला नहीं बल्कि आरा जो शहर है ये कह सकते हैं भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है, भोजपुर जिला का ये कह सकते हैं हेडक्वार्टर है। तो आप जानेंगे बिहार के आरा में गजल संग्रह ख्वाबों के जजीरा का लोकार्पण हुआ है और इसके लेखक हैं सरफराज असर, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि हाल ही में भोजपुर, यहाँ पे भोजपुर जिला की हमने चर्चा की है, तो हाल ही में भोजपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। एथेनॉल की बात यहाँ पर आई है तो एक प्रश्न आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, इसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। आपको मैंने बताया कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार।
आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमने इस पॉइंट में चर्चा की, भोजपुर जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया गया है जिसकी लागत 250 करोड़ है, और इस प्लांट को भोजपुर जिले के गढ़ानी देवरी में लगाया जा रहा है, तो ये भी चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगला होगा चौथा प्रश्न। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टंप शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार सरकार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए सस्ती भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, और इसके तहत अब औद्योगिक भूमि के लिए निबंधन व स्टंप शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना, बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा की है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हमने पहले वाले पॉइंट में ही लिख दिया है कि बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए सस्ती भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में ये कदम उठाया, और इसके तहत आपको ध्यान रखना है निबंधन व स्टंप शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। अगला होगा हमारा पांचवा प्रश्न। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 5 करोड़ की लागत से एक भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये घोषणा भी हाल ही में मार्च 2022 में हुई, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के नवादा जिले में। आपको विस्तार से बता दूं कि नवादा जिले के हरिचंद्र स्टेडियम स्थित गोवर्धन मंदिर में 3 नए मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और इस निर्माण के बाद मगध क्षेत्र में बोधगया के बाद नवादा का नाम भव्य दार्शनिक स्थल के रूप में अंकित हो जाएगा। मगध क्षेत्र की बात कहें तो आपको ध्यान रखना बोधगया के बाद जो दूसरा स्थान होगा इस मंदिर के निर्माण के बाद दार्शनिक स्थल के रूप में, ये नाम आएगा नवादा जिला का। और यहाँ पर इस मंदिर की बात कहें तो मंदिर के चारों तरफ देवी देवता को आकर्षक लुक के साथ बनाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अक्सर इस तरह का जो मंदिर होता है ये दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है, तो दक्षिण भारत की शैली को ही अपनाकर यहां पर नवादा में कर सकते हैं मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत अभी जो हाल ही में जो राशि आवंटित की गई है 5 करोड़ की राशि से इसका निर्माण किया जाएगा। राइट आंसर होगा नवादा जिला। और नवादा की यहां पर बात है तो एक प्रश्न मैंने आपको बताया था कई बार कि जो बिहार के ईशान किसान है इनका जो पैतृक जिला या फिर कह सकते हैं पैतृक ग्राम है जो ये नवादा के अंतर्गत ही आता है। बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज करते होंगे, कई जगह आपको पटना भी बताया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना नवादा इसका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न हो सकता है आपसे एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ये उभरता सितारा है ईशान किशन, और इन्होंने क्रिकेट के इतिहास में बहुत बहुत उपलब्धियां अपने नाम की हैं, तो आपको यह ध्यान रखना ये नवादा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट होगा हमारा यहां पर छठा प्रश्न। ये छठा प्रश्न है कि 22 मार्च 2022 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि ये थोड़ा सा आसान है, आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा 110वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में बिहार का मनाया गया, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 110वां। आपको बता दूं कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को बिहार के क्षेत्र के विकास का जश्न मनाते हुए मनाया जाता है, और इस दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य को यानी कि बिहार को स्वतंत्र कर दिया था। इसी को मतलब ध्यान रखते हुए प्रत्येक वर्ष ये कह सकते हैं बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी प्रश्न से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस वर्ष राज्य यानी कि बिहार 110वां बिहार दिवस जल जीवन हरियाली विषय के साथ मनाया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना इस वर्ष बिहार दिवस की जो थीम है ये है जल जीवन हरियाली, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न थोड़ा सा आसान है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इसका विषय क्या था ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जल जीवन हरियाली मिशन के साथ ये कर सकते हैं, या फिर इस विषय के साथ इस दिवस को यानी कि 110वां दिवस को मनाया गया। अब यहाँ पे बात है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐड किया है, हालांकि सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये बहुत आसान है, लेकिन रिवीजन के तौर पर यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर रिवाइज करना है, या फिर अगर आपको जब भी नज़र इस पर पड़े तो आप यहाँ पर तमाम चीज़ों को रिकॉल जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला होगा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 वर्ष तक के लिए इसकी अवधि को विस्तारित किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को की थी। आपको ध्यान रखना इसकी जो शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की, ये 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, इसी अवसर पर कह सकते इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी अवधि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के मार्च में ही समाप्त हो रही थी, परंतु अब हाल ही में इसकी अवधि आगामी 5 वर्षों अर्थात 2025-26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यही यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा
गया कि इतने वर्षों तक के लिए बढ़ाई गई है। आपको ध्यान रखना, 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया, जो कि अब इसका नया अवधि जो है ये 2025-26 है, वित्त वर्ष 2025-26। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य 12वीं पास 20 से 25 वर्ष के युवा बेरोजगारों को रोजगार तलाशने के लिए 1,000 प्रतिमाह की दर से, यानी कि 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक राशि देने की व्यवस्था या फिर इसका प्रावधान है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में बिहार की किस भारत रत्न की जयंती मनाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कि हाल ही में बिहार के 21 भारत रत्न की जयंती मनाई गई है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूँ, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हाल ही में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती 21 मार्च 2022 को मनाई गई, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। इनका जन्म अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। अब यहां पर जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऐसे शख्स हैं जिन्हें कि भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप यहां पर आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इसके बाद 1961 में पद्मश्री, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और उसके बाद 1968 में पद्म भूषण, जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1980 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और उसके बाद 2001 में भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना, कुल मिलाकर ये चारों जो कह सकते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इन चारों सम्मान से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया जा चुका है। इस महान हस्ती उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निधन की अगर बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोगों को कॉपी में नोट करना। अगर आप नोट नहीं कर सकते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये डेली बेसिस पर आपको इसका नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, आप वहाँ पर बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाओं से करंट अफेयर्स का जो नोट्स तैयार होता है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर जो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, और इन दोनों एग्जाम के लिए जो हमारे स्टडी मटेरियल है वो तमाम को आप वहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अभी एक ऑफर भी चल रहा है तो ऑफर का भी आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अब चलेंगे हम अगले 9वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी और फरवरी 2022 से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है, सेपरेट तौर पर। जनवरी का अलग है, फरवरी का अलग है, ये वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन के तौर पर हमने ये आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। हालांकि डेली बेसिस पर ये करंट अफेयर्स का वीडियो आता है, लेकिन सेपरेट तौर पर बिहार को मतलब सम्मिलित तौर पर ध्यान रखते हुए ये वीडियो चैनल पर अपलोड किया गया, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 29 प्राचीन भारतीय धरोहर सौंपे हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर है। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 29 प्राचीन भारतीय धरोहर भारत को सौंपी है, और इनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ आदि शामिल हैं। इन सभी कलाकृतियों की अगर बात करें तो ये सभी पुराशेष विभिन्न समयावधि या फिर कह सकते हैं विभिन्न काल के हैं, जिसमें कि पुरानी सबसे जो है ये कलाकृति 9वीं से 10वीं सदी के हैं, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और ये मुख्य रूप से जो है यहाँ पर कर सकते हैं मूर्तियाँ, पेंटिंग, और जिन्हें कि बलवा पत्थर, संगमरमर, कांस्य और पीतल से बनाया गया है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यह ऐतिहासिक धरोहर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और बंगाल से संबंधित है, जो कि आपको यहाँ पर ये धरेगा 29 प्राचीन धरोहर जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत को सौंपा गया है। और यहाँ पर इनसे संबंधित जो डिटेल जानकारी थी वो हमने आपको दे दिया है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये 10वां प्रश्न के हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है? इस चक्रवात का नाम है आसनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से द्वीप समूह में वर्ष के पहले यानी कि 2022 के पहले चक्रवात आसनी को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया। आपको ध्यान रखना ये इस वर्ष यानी कि 2022 का ये कह सकते हैं पहला चक्रवाती तूफान है, इस वजह से इस प्रश्न को यहाँ पर ऐड किया गया है। प्रश्न आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 का चक्रवाती तूफान पहला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना ये आसनी चक्रवाती तूफान है, जिसने लेकर के अभी हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 11वां प्रश्न। यह प्रश्न कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन रहा है?
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ज्यादा खबरों में, यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि स्विस संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 में बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा है। यहां पर हम इस प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की, तो यहां पर सबसे टॉप पर जो है प्रदूषित शहरों के मामले में यह है बांग्लादेश, और इसके बाद क्रमशः जो देश है यह है चाड, पाकिस्तान और तजाकिस्तान। जबकि भारत की बात किया जाए तो भारत इस मामले में, यहां पर हमने आगे पॉइंट में लिखा है कि जबकि भारत पांचवा सबसे प्रदूषित देश रहा। आपको यहां पर ध्यान रखना, पहले स्थान पर है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर चाड, तीसरे पर पाकिस्तान और चौथे पर तजाकिस्तान और पांचवे पर है अपना देश भारत। और इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, बात ओमान, किर्गिस्तान, बहरीन, इराक और साथ साथ नेपाल इसमें शामिल है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक पॉइंट आपको यहां से यह ध्यान रखना, चौंकाने वाले ये आंकड़े हैं कि इसके अनुसार दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। लगातार चौथी वर्ष इस रिपोर्ट के आधार पर जो राजधानी की कैटेगरी में देखें, किसी देश की राजधानी की कैटेगरी में, तो दिल्ली जो ये चौथे वर्ष लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। ये भी आप यहां से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक यहां पर ध्यान रखें, नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो ये मेल कैटेगरी में एक आ सकते स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुने गए हैं, लेकिन यहां पे फीमेल कैटेगरी की बात यहां पर हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब जीत लिया है। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा बिहार नहीं बल्कि भारत के हरियाणा के रहने वाले हैं। ये आप यहां से ध्यान रखें, पुरुष कैटेगरी में इन्होंने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। जबकि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल का पुरस्कार प्राप्त किया है, फिर इन्हें मिला है। तो दोनों कैटेगरी यानी कि पुरुष और महिला वर्ग दोनों में आपको ध्यान रखना, पुरुष वर्ग की बात किया जाए तो नीरज चोपड़ा, जबकि महिला वर्ग की बात किया जाए तो मीराबाई चानू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव। आपको विस्तार से बता दूं कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के तहत प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार के लिए, या फिर कह सकते हैं इस अवार्ड के लिए, 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उन्हें नॉमिनेट किया गया था। जिसके बाद यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, सुरेश रैना इसमें चयनित हुआ और अभी हाल ही में इन्हें कह सकते हैं 2022 का स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया मालदीव सरकार के द्वारा। नेक्स्ट होगा हमारा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही अभी मैंने बताया बिहार दिवस भी मनाया गया है। आपको बता दूं कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 2022 में विश्व जल दिवस की थीम क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वर्ष 2022 में भूजल और दृश्य दृश्यमान बनाना ये इसका थीम है, और यहाँ पर हमने इसी को लिख दिया कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ये जानकारी आपको याद होंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टंप शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप चाहें तो डिटेल जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप पर जो चीज़ें आपको मिल रही है, आपको बेहतर क्वालिटी का दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग 67वीं बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जिनका एग्जाम है, या फिर जो 68वीं के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे छात्र इससे मतलब कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर हमारे मटेरियल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।